हमारी बीमारी सही हो जाओगे। लेकिन एक जो डॉक्टर केवल पैसा पैसा इतना चाहता है वो परहेज नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि उसको पता है अगर परहेज को साथ में दवा लेगा ना इसको तो बीमारी सही हो जाएगा, फिर तो मेरे पास में आएगा नहीं, वो परहेज की बात नहीं बताएगा। कहते तो उसी तरह कलयुग में दवा किया है, बोले भगवान के नाम ही दवा है। बोले भैया परहेज किया है, बोले केवल चार नियम को तुम पालन कर लो यही परहेज है, केवल चार नियमों का पालन कर लो, थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप करो बेड़ा पार है। अभी ध्यान देकर सुनो, चार क्या परहेज है, चार कौन सा नियम पालन करोगे। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है ना। धर्म का पहला चरण है सत्य। देखना जो जुआ खेलते हैं ना वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ 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 ही बोलते हैं। इसलिए श्री परीक्षित श्री युधिष्ठिर महाराज ये धर्मराज युधिष्ठिर थे, लेकिन ये जुआ खेले तो कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाई लोगों का हारे, पत्नी को भरी सभा में विवस्त्र देखना पड़ा और 12 साल तक जंगल में रहे, 1 साल तक अज्ञातवास में रहे। इसलिए शिक्षा देते खबरदार अगर ये जुआ खेलोगे ना इतने दूर तक तुम नीचे उतर सकते हो। इसलिए आप लोग भी अपना पतियों को कभी भी जुआ खेलने में कभी बोलना नहीं, अगर जुआ खेलेंगे तो मना करना, खबरदार जुआ खुला मत खेला करो नहीं तो सब कुछ लूट जाएगी तुम्हारी। ये धर्म का पहला चरण है। दूसरा क्या है, पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा गुटखा है, ये सब चीज को नहीं लगी चाहिए। नशा तो एक हो, कृष्ण प्रेम की नशा हो, कृष्ण भक्ति की नशा हो, और कोई नशा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए शराब भी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। मैंने पहले बताया था ना जो शराब पीते हैं उनका 3 लाभ है, कितना लाभ है, जोर से बोलो। पहला लाभ है वो बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब बनेगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा बनेगा, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा है। इसलिए मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ रसिया, रसिया में लड़की लड़की ज्यादा है, लड़का बहुत कम है, और बूढ़ा प्राय करके आपको बूढ़ा दिखेंगे नहीं। मैंने कहा भैया इतना सब बूढ़े कहाँ गए और ये सबके सब इतने लड़कियां क्यों है, सब लड़की लड़की क्यों है। बोले महाराज जी यहाँ पर बचपन से शराब पीना शुरू करते हैं और शराब पी पी करके आम तो एकदम खत्म, हजम शक्ति खत्म, इसलिए कम उम्र में सबको समझ जाते हैं और इनकी पुरुषत्व नष्ट हो जाती है शराब पी पी करके, इसलिए लड़के नहीं हो रहे, इसमें लड़कियां जन्म ले रही हैं। शराब खुद पी पिए नहीं और दूसरों को पीने नहीं दे। दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सब बेच बाच करके पी पा कर खत्म कर देगा, फिर चोरी किस चीज की होगी, इसलिए चोरी नहीं होगी। बोले तीसरा काम लाभ क्या, बोले कुत्ते उसकी दोस्त बन जाएंगे। बोले मतलब क्या, बोले कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह में बास, मुंह में क्या कर जाएंगे, उसको पेशाब कर जाएंगे और मुंह। एक एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कैसे एक व्यक्ति शराब पी कर पड़ा हुआ और कुत्ते आकर के इसको बुरी तरह से मुंह को चाट रहे थे, इसलिए कल आपको दिखाऊंगा वीडियो। इसलिए चीज नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करना, देखो अभी ध्यान देकर सुनो, लेकिन ये अभी ये दुनिया ऐसे हो गया, अगर बच्चे का बर्थडे हो शादीशुदा हो अगर उनको मांस मत खिलाओ शराब मत पिलाओ ना, बोलिए कौन सा बर्थडे कौन सा शादी, तुमने शराब नहीं पिलाया मांस नहीं खिलाया, नहीं ये गंदी चीज है। देखो ये संत कह रहे थे, आप बुरा मत मानो, कहते जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तुड़वाया और इतने जीव को तुमने हिंसा की, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा बताओ। वो संत कह रहे थे अगर उसका उम्र 100 साल होगा ना झट 50 में उतर कर आ जाएगी। बोले क्यों, बोले जिसके उद्देश्य में तुमने इतने बोतल तुड़वाया और इतने तुमने जीव हिंसा करवाई वो बच्चे का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। कर तो भगवान का कीर्तन, उनको भगवान की प्रसाद खिलाओ, हरि कीर्तन करो जिसमें बच्चे का कल्याण हो मंगल हो, ठीक है ना। और एक चीज है, बोले चाय भी नहीं पीनी चाहिए।
क्या नहीं पीनी चाहिए? बोले भैया चाय में दोष क्या है? बोले चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें निकोटीन और एक उसके अंदर में एक निकोटीन डालते, कैफीन डालते, ये दोष है, हैं? ये दोष, लेकिन चाय पत्ते में कोई दोष, पत्ते में कोई दोष नहीं। इसलिए आप देखना जो व्यक्ति चाय पीते हैं, देखना जैसे शराब पीने वाले, शराब पीने का समय आ जाए अगर नहीं पिएगा ना, शरीर में घबराहट होना शुरू हो जाता है। इसलिए देखना जो चाय पीते हैं, देखना चाय पीने का समय आ जाए, अगर चाय मत पियो तो क्या होता है बताओ, क्या होगा बताओ? सर दर्द होना शुरू हो जाता है। बोले क्यों? बोले उसमें निकोटीन, उसके अंदर में कैफीन डाला हुआ है, जहर है। इसलिए ये विदेशी, ये भारतों को गुलाम बनाने के लिए, ये बड़े बूढ़ों को पूछ लो, ये विदेशी लोगों ने भारतों को गुलाम बनाने के लिए और अपना बिजनेस को चलाने के लिए पहले बिना पैसा की चौराया पर बिना पैसा की चाय बनाया करते थे। बोले देखो जो व्यक्ति चाय पिएगा ना, उसको एक रुपया, उसको एक रुपया मिलेगा। हम इतने बेवकूफ बने, बोले एक रुपया एक कप चाय पी, कुछ दिन बाद में बोले नहीं 75 पैसा मिलेगा। बोले 75 पैसा मिलेगा एक कप चाय मिलेगा, फिर पिए। बोले कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले 50 पैसा एक कप चाय, फिर पिए। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले 25 पैसा एक कप चाय, फिर पिए। बाद में बोले भैया कोई पैसा नहीं मिलेगा, केवल चाय मिलेगा। लेकिन उसको पी पी करके हमारा आदत बन गया, उसमें तो कैफीन निकोटीन डाला हुआ, जहर है, सर दर्द, फिर पिए। बोले देखो 50 पैसा देना पड़ेगा उल्टा। बोले लो। बोले एक रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 2 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 5 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। अभी कितना पैसा हो गया? 10 रुपया। इतनी सी चाय और 10 रुपया दे करके, इतनी सी चाय और 10 रुपये का दूध पियो ना, 10 रुपये का दूध पियो, इसमें लाभ है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, सवेरे अगर एक कप चाय पी लो दिन भर तक चिंता नहीं, दोपहर तक, बताओ इतनी सी चाय से कहीं पेट भरती है? लेकिन हमने चाय नहीं पी, जहर पी लिया और पेट का जो भूख थी ना, भूख को हमने खत्म कर दी। भैया भूख लग रहा है, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दूध पियो, दही खाओ, अच्छे चीज खाओ ना, ये जहर पी करके सत्यानाश क्यों करोगे, ठीक है ना? हाँ, अगर पीना तो रामदेव बाबा कह के गोकुल टी आती है, हर्बल टी आती है, उसको दूध में डाल ला कर पियो, वो शरीर के लिए लाभदायक, ठीक है ना? ठीक है, चाय को कोशिश करना धीरे 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 कम करते करते जैसे चाय तुम्हारी खत्म हो जाए, ठीक है, दूध पिया करो। इसलिए कहते ये फिर तीसरा नंबर जो कली का स्थान है, कहते स्त्रियम। बोले स्त्रियम का मतलब, बोले स्त्रियों में कली का निवास है। बोले भैया कौन सा स्त्रियों में? बोले जो अवैध रूप में स्त्री जो पुरुष और पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो, शादी सुधा करके अपना पत्नी को साथ में, पति को साथ में घर गृहस्थ बनाओ। ऐसे बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो, ये शास्त्र इसको निर्देश नहीं देता है। संसार करो, शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थ बितानी चाहिए। और जो चौथा जो कली का निवास है, जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर ये चार नियमों का अगर कोई पालन कर ले, हैं, थोड़ी सी भगवान का नाम जप कर ले, फिर हमारी पार हो जाएगी। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो जो कल है ना, ये एकादशी है, कल क्या है? हाँ देखो, अगर भागवत की कथा को अंदर में अगर एकादशी आ गई, समझो सोने में सुहागा है। बहुत भाग्य से कथा को अंदर में एकादशी पुण्य आए ना, इसको सबसे बड़ा पुण्य मानी जाती है। कथा को अंदर में
अगर एकादशी आई, क्योंकि ये भागवत ग्रंथ में और कोई बार व्रत का नाम नहीं है, केवल एकादशी की कथा है। इसलिए ध्यान देकर सुनो, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो, कई कई भक्त लोग रखते हो। हाँ, आज हम थोड़ी सी एकादशी की कथा सुना देता हूँ। भागवत कथा में एकादशी रखोगे बहुत पुण्य है। एकादशी को बताया, ये कल्पतरु व्रत है। क्या व्रत है? कल्पतरु। कल्पतरु का मतलब होता है एकादशी व्रत करते हुए आप जो कुछ मांगोगे सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे आप लोग कोई सोमवार का व्रत, कोई मंगलवार का, कोई शुक्र, अलग अलग कोई व्रत रखते होंगे, उसका केवल एक ही फल है, दो फल नहीं, उसका केवल एक ही फल आपको मिलेगा। लेकिन एकादशी व्रत ऐसे के व्रत है, आप जो कुछ मांगोगे एकादशी व्रत करते हुए मिलेगा। अगर आपका घर में एकादशी की व्रत कथा होगी आप पढ़ सकते हो। कहते 15 दिन को बाद में एक बार एकादशी आती है, 15 दिन को बाद में। आप एक एक एकादशी की पढ़ करके देखना। एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। अगर वो एकादशी को कोई करेगा तो घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, घर में खूब पैसा आएगा। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी। अगर वो एकादशी व्रत कोई करे तुम्हारे जीवन का सारे पाप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। एक एकादशी का नाम है अर्णता। अर्णता मतलब है घर में खूब अर्न आएगी तुम्हारी, घर में खूब अर्न आएगी वो एकादशी करोगे तो। एक एकादशी का नाम कामदा। कामदा मतलब जो कोई कामना वासना को लेकर एकादशी करोगे तुम्हारी वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। एक एकादशी का नाम पुत्रदा। जिसकी घर में संतान नहीं हो रही है, नंद बाबा को ये कृष्ण मिले कैसे? आप पुराण पढ़ करके देखो, नंद बाबा ने ये पुत्रदा एकादशी को व्रत रखी, इसलिए घर में कृष्ण जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम पुत्रदा, मतलब पुत्र को जो दान करती है। इसलिए आपको पास में अगर एकादशी व्रत की ग्रंथ होगी आप स्वयं पढ़ लेना। किसी व्यक्ति बड़ी रोगग्रस्त थे, इतने रोगग्रस्त जो रोग किसी तरह से सही नहीं होता था, लेकिन एकादशी व्रत किया और खत्म हो गया। किसी राजा का राज्य चला गया था, राज्य नहीं मिल रहा था, नारद जी ने कहा ये एकादशी व्रत करो, राज्य फिर वापस आ गई है। किसी व्यक्ति संसार में बड़े दुख कष्ट उठा रहे थे, परेशानी किसी तरह से नष्ट नहीं हो रहा था, एकादशी व्रत किया घर में सारे परेशानी दूर हो गई। अगर ग्रंथ होगा स्वयं अपना घर में पढ़ लेना। हर एकादशी की अलग 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 फल है, इसलिए एकादशी को बताया ये कल्प वृक्ष व्रत है। ये कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे एकादशी व्रत करते हुए एकादशी फल देगा। देखो मैं यूरोप जाता हूँ प्रचार करने के लिए, अभी मैं यूरोप से आया हूँ। मैं आपका एक अनुभूति की बात बताता हूँ। एक व्यक्ति 2 साल से वो हॉस्पिटल में भर्ती था, वो कोमा में चला गया, लेकिन किसी तरह से मृत्यु नहीं हो रहा था, बहुत पैसा खर्च हो रहा था, बहुत एकदम शरीर हड्डी हड्डी हो गया था, उसकी गले में प्राण अटक गया था, प्राण ही नहीं जा रहा था, परिवार इतने दुखी दुखी। जब मैंने गया, बोले भारत से कोई साधु आया है, मेरे को बुला करके हॉस्पिटल ले गए उनका परिवार। बोले बाबा हमारा पिताजी की प्राण नहीं जा रहा, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, गला में प्राण अटक गया, थोड़ा इनको आशीर्वाद करो। मैंने कहा एक काम करो, तुम लोग परिवार पूरा के पूरा एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत करते हुए उनका फल दे दो। बोले बाबा अभी 10 दिन एकादशी बाकी है, इनके दुख सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा आज तुम लोग संकल्प करो, हम पूरा परिवार मिलकर के एकादशी व्रत करके इनका फल देंगे। उन लोगों ने संकल्प किया, उसी रात में उनका शरीर छूटा। उसी रात में हमारे वृंदावन में देखो, हमारे जो बड़े गुरु जी का फोटो उधर लगा हुआ ना, हमारे जो बड़े गुरु जी, एक समय क्या हुआ, किसी ट्रक में कोई गैया की एक्सीडेंट हो गई, गैया की एकदम हड्डी फाड्डी एकदम टूट भग गया, इतना कष्ट भोग कर रहा था। एक अमेरिका में गुरु जी की एक शिष्या थी, अमेरिका की, उसने देखा वो गैया बड़ी तड़फड़ा रही, प्राण नहीं जा रही। उसने बड़े गुरु जी को पास में आए, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे स्थिति है, बड़ी कष्ट पा रही है। गुरु जी ने कहा देखो एक काम करो, तो उसको कान में जा करके बोल दो मैं एकादशी का व्रत करके तुम्हें प्रदान करूँ, जाकर के बोल दो। उसने बोलते ही गया उस समय प्राण त्याग दिया। यहाँ पर कोई राजस्थान से है, कोई राजस्थान से हाथ उठा तो कौन राजस्थान से, कोई नहीं ना राजस्थान में।
देखो राजस्थान में एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति अंतिम सजा में लेटा हुआ प्राण नहीं जा रही है, अगर किसी ब्राह्मण को बुलाओगे बोले इनकी जल्दी से जल्दी प्राण कैसे जाए, कष्ट पा रहे हैं, वो केवल एक ही बात बोलेगा, हो सके तो तुम लोग एकादशी का व्रत करके इसका एकादशी का फल दो, और कोई बार व्रत का नाम वो नहीं लेगा, बोले एकादशी व्रत करके इनका फल दे दो, जल्दी से जल्दी उधार हो जाएगी। आप लोग भी अपना घर में देख लेना, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख है जो किसी तरह से खत्म नहीं हो रही, आप एकादशी व्रत करके फल दे दो, देखना सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगी। इसलिए भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं आती है, केवल इसमें केवल अम्बरीश महाराज, कल कथा सुनेंगे अम्बरीश महाराज कैसे एकादशी व्रत रखते थे, माँ जसोदा नंद कैसे रखते थे, पंच पांडव एक एकादशी सबसे जो बड़ी है, कितना पांडव और निर्जला एकादशी जिसको पंच पांडव कुंती द्रौपदी को साथ में करते थे। लेकिन कुछ लोगों का भूल धारणा, बोले क्या धारणा, बोले भैया एकादशी तो विधवा लोग करती हैं जो बूढ़ी हो गई। आप पुराण को पढ़ करके देखो, वहां पर बताया कि श्लोक है अष्टा वर्षाधिक पुण्य आसीत सिद्धि वत्सर, बोले 8 साल से लेकर के 80 साल तक एकादशी व्रत करनी चाहिए, ये पुराण का श्लोक है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का और कुछ भ्रम है, भैया इसका उद्यापन करना पड़ जाता है, नहीं वैष्णव जगत में कोई उद्यापन का बात नहीं, एकादशी राधा जी की ही भक्ति स्वरूपिणी है, राधा जी की भक्ति एकादशी व्रत है, भगवान कृष्ण का व्रत है, उद्यापना वैष्णव जगत में कोई उद्यापन का नाम नहीं है, इसलिए भागवत में कोई उद्यापन का नाम नहीं बताया। इसलिए जितना दिन तक हो सके एकादशी अच्छे तरह से करो, जब नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दुख कष्ट नहीं, ठीक है। कल एकादशी व्रत है, इसलिए भागवत में अगर एकादशी व्रत आ जाए, बड़े भाग्य से एकादशी आती है, बड़े भाग्य से, इसलिए कल सबके सब एकादशी व्रत करियो। और देखो हाँ, देखो 12 बजे तक कुछ खाना नहीं, दोपहर में 12 बजे तक कुछ खाना नहीं, उसको बाद में जैसे फलाहार करो, जैसे पकौड़ा बनाकर खा सकते हो, आलू खा सकते हो, जैसे आप लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं ना, ऐसे ही आप लोग खा सकते हो, लेकिन दोपहर तक कोई चीज को नहीं खानी चाहिए, ठीक है। दोपहर को बाद में, फिर रात को कोई चिंता है नहीं, यहाँ तक कल एकादशी का आपको प्रसाद मिलेगा, एकादशी का फल मिलेगा, अगर दिन भर में कुछ नहीं खाओगे, अगर रात में पाओगे तो अच्छी बात, और भी बढ़िया फल मिलेगा, ठीक है ना। और बारम्बार पानी नहीं पीने का, ठीक है, बारम्बार पानी नहीं पीने का, इसलिए निष्ठा को पूर्वक करो, अब जो कुछ मांगोगे एकादशी व्रत आपको सो फल देगा, ठीक है। कौन कौन करेगा बता, कौन कौन एकादशी करेगा, देखो इतने कथा सुना है तो भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। देखो एकादशी का दिन सुना, एकादशी का दिन अर्ण में ये गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पितृमाती हत्या, जितने पाप है एकादशी का दिन अर्ण में, ये सारे पाप रहते हैं। पुराण में बताया सारे पाप का प्रायश्चित है, सारे पाप मुख से मुक्त हो सकते हो, लेकिन एकादशी का दिन अर्ण भोजन करना, कभी ये पाप से मुक्त होना बड़ा कठिन है, ये पाप में भोगना ही पड़ेगा, इतने एकादशी का दिन अर्ण भोजन करने से इतने पाप है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना खुद करने के लिए, हाँ देखो जितने देवियां आई हो अपना पतियों को भी कराना, खाना चाहिए ना, जैसे कुट्टू आटा का सुंदर पकौड़ी पकौड़ी बनती है, कुट्टू आटा की पूरी भी बनती है, कुट्टू आटा के उसमें आलू दे करके ना, उबाल करके आलू दे करके बड़े सुंदर उसमें पूरी भी बनती है, आलू की सुंदर सब्जी बना करके उनको खिलाओ, आलू की सब्जी खाना खाएंगे ना, और फ्रूट क्रीम बना करके खिलाओ, मूंगफली भून करके। देखो हमारे मंदिर में जब एकादशी आती है ना, बाबा लोगों तो कहते भैया एकादशी कब आएगा, क्योंकि एकादशी का दिन बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है, हैं, हम तो खाना चाहिए ना, खाओ ना कोई बात नहीं, खाने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन केवल अन्न मत खाओ, रोटी हैं, गेहूं के बनी हुई चीज, किसी तरह का दाल, ये सब चीज को नहीं खानी चाहिए। जैसे आप लोग नवरात्रि रखते हो ऐसे व्रत को ऐसे रखनी चाहिए, भले जिसको जैसे शुगर का कोई अगर बीमारी हो, अगर 3 बार भी खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाओ, लेकिन व्रत रखो एकादशी व्रत, अन्न मत खाया करो, ठीक है। हाँ देखो हरे कृष्णा, ध्यान देकर सुनो, और एक अच्छी बात मैं बताता हूँ,
जो एकादशी है कुछ कुछ लोगों का जो भावना है अरे इस व्रत फ्रत बेकार चीज है हैं पता नहीं बोले नहीं ये जो व्रत है ना ये एक साइन सी है क्या है क्या है ये एक साइन सी है देखो अभी मैं साइन से संबंध में कुछ बताना शुरू करूंगा मैं देखूंगा कल मेरे को कौन बोल पाता है ये एकादशी कैसे साइंस ये चीज को अच्छे तरह से सुनो कि ये शरीर एक मशीन है अगर कोई भी मशीन को अगर कंटिन्यू चलाओगे वो मशीन ज्यादा नहीं टिकेगा जैसे यहाँ पर माइक चल रहेगी अगर ये 24 घंटा हर समय चलते रहे ना खराब हो जाएगी जैसे फैन चलती है अगर बीच बीच में अगर उसको रेस्ट दे दिया जाए देखना कि ज्यादा दिन तक मशीन काम करेगी जैसे आप लोग ऑफिस में काम करते हैं संडे को छुट्टी होता है कि नहीं होता है जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं अभी तो दो दिन ही छुट्टी हो गया सैटरडे और संडे अभी दो दिन ही छुट्टी होती है बोले भैया छुट्टी क्यों होती है उसको सात दिन तक बच्चे को पढ़ाओ ना बढ़िया पढ़ेगी बोले नहीं वो पढ़ेगा नहीं पागल हो जाएगा जैसे स्कूल में 8 पीरियड नहीं तो 7 पीरियड लेकिन बीच में एक खल छुट्टी होता है खल छुट्टी होती कि नहीं बच्चों का बोले क्यों वो 7 पीरियड कंटिन्यू क्यों पढ़ाते हैं बोले नहीं वो ब्रेन एक मशीन है अगर कंटिन्यू बच्चा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा इसलिए ये ब्रेन को बीच बीच में इसको रेस्ट देनी ही चाहिए तो उसी तरह ये शरीर भी हमारी एक मशीन है अगर बकरी जैसे दिन भर मुंह चलाते रहोगे ना बकरी जैसे मुंह चलाते रहोगे तो शरीर ज्यादा दिन तुम्हारी टिकेगी नहीं फिर तो बीमारी बढ़ जाओगे इसलिए ऋषि मुनि ने कहा देखो 15 दिन में ये शरीर रूपी मशीन को एक बार रेस्ट दो 15 दिन में उसको क्या करो 15 दिन में उसको एक बार उसको विश्राम दो हाँ देखो प्रश्न है भैया हम तो और कोई व्रत रख सकते हैं फिर ये एकादशी व्रत क्यों रखे और किसी व्रत में तो हम रेस्ट दे सकते हैं ना लेकिन ये एकादशी व्रत का दिन रेस्ट क्यों देंगे देखो इसमें क्या साइंस है आप लोग सुने होंगे आप तो यहाँ आस पास में समुद्र नहीं एक समुद्र में एक हाई टाइट होता है हाई टाइट समझते हो पानी उफरती है और पानी घटती है समुद्र में बोले क्यों घटती है क्यों बढ़ती है कहते कारण है ये जो चंद्रमा ये एकादशी के दिन से ये पानी समुद्र का ज्यादा उफरती है क्योंकि जो चंद्रमा जो ग्राविटी है वो पृथ्वी को खींचती है ये पृथ्वी चंद्रमा को भी खींचती है दोनों को खींचती है खींचने पर जैसे चंद्रमा ये पृथ्वी को नहीं खींच सकते क्यों इतना बड़ा भोजन है इसलिए चंद्रमा जितने बढ़ती रहेगी वो उतना प्रभाव ये पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी इसलिए प्रभाव किसके ऊपर पड़ती है पृथ्वी तो मिट्टी इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है पानी के ऊपर क्यों पानी ये तरल है इसलिए चंद्रमा जितने बढ़ती रहेगी ये समुद्र का पानी उतना उफनते रहती है इतना उफनती रहती है पूर्णिमा का दिन इतने बड़ी बड़ी लहरें आती है इतने पानी उफनती है बहुत ज्यादा बोले क्यों वो चंद्रमा खींचती है उसी तरह हमारा जो शरीर है वो 5 चीज को द्वारा बना हुआ कितना चीज को द्वारा बता सकते हो क्या क्या शरीर में कौन बोलेगा हाथ उठाओ तुम तो संस्कृत बोल रहे हो हिंदी में बोलो बोलो हाँ देखो ये शरीर है हमारी तो क्या साइंस है ये शरीर 5 चीज देकर बना हुआ मिट्टी वायु आकाश जल और अग्नि ये 5 चीज को द्वारा ये शरीर बना हुआ और इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज है कितना परसेंटेज है करीब 75-80% 80% शरीर में पानी पानी है इसलिए पानी होने का नाते ये जो चंद्रमा का जो प्रभाव है ये शरीर के ऊपर पड़ता है आप लोग देख लेना जिनकी गुठन में नहीं तो पैर में नहीं तो कमर में दर्द आप स्वयं देखना एकादशी का दिन थोड़ा ज्यादा दर्द होगा द्वादश में और थोड़ा ज्यादा पूर्णिमा को इतने दर्द होगा सो नहीं सकते आप किसी हॉस्पिटल में जाओ देखना ज्यादा जो बीमारी व्यक्ति कब ज्यादा आते हैं देखना एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी शमशान घाट में जाओ देखना एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा लोग मरने वाले देखोगे ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा खून खराबी होती है देखना नजर करके एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक क्यों क्योंकि ये चंद्रमा का जो प्रकोप है ये पानी के ऊपर ज्यादा पड़ता है प्रभाव पड़ने का नाते ज्यादा जितने लड़ाई झगड़ा अशांति तभी उसी समय होता है एक माताओं के अंदर में चिड़चिड़ा पड़े माताओं में के चिड़चिड़ा पड़े में देखना वो एकादशी से पूर्णिमा तक ज्यादा होती है हम लोग नजर करके देखना
क्योंकि इसलिए वो चंद्रमा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, चंद्रमा के प्रभाव। इसलिए ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट ही है। इसलिए जैसे आप रोटी खाओ, चावल खाओ, वो स्पंज जैसे है, देखना थोड़ी देर बाद में रोटी खाओ फिर पानी मांगेगा, लेकिन आप फल खाओ पानी नहीं मांगेगा, आलू खाओ पानी नहीं मांगेगा। इसलिए बोले भैया एकादशी का दिन क्यों गए थे, उसमें फल खा लो, उसमें है आलू खा लो, पानी नहीं मांगेगा, लेकिन स्पंज जाती है चावल रोटी, इसलिए पानी मांगता है ज्यादा। इसलिए जितना शरीर में पानी जाएगा उसका उतना प्रभाव ये चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा, उतना बीमारी बनते रहोगे। अब बीमारी बनोगे तो क्या खाओगे, बोले मेडिसिन, उसका नाम क्या, मेड ईट सीन, वो पाप है, क्रोसीन, टेरामाइसिन, वो सीन इसलिए शब्द, सीन मतलब होता है पाप। ये सब बीमारी क्यों हो रहा है, बोले पाप की वजह से हो रहा है, बोले क्यों, बोले एकादशी का दिन अन्न भोजन तुमने किया है, समझ रहे कि नहीं। इसलिए जो एकादशी ये साइंस है, ऋषि मुनि लोग इतना बेवकूफ नहीं थे, एकादशी व्रत रख लिए, ठीक है, सबके सब कल एकादशी व्रत, सबके सब एकादशी व्रत रखना, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हो जो एकादशी व्रत नहीं रखे, ठीक है ना। खुद रखना, हो सके तो परिवार वालों का कराओ, बच्चों को भी कराओ, देखना घर में शांति सुख आएगी, और जो कुछ मांगोगे ठाकुर जी सभी इच्छा पूरी कर देंगे। हमारे को कहाँ गया संजय वशिष्ठ, ये कहाँ गया, अब जो फोटो ले रहा था तो इतना, हाँ देखो कल एकादशी है, हमारी एक बच्चा है, आपको थोड़ी सी कथा सुनाएगा, उसके बाद में फिर प्रसाद लेकर के सबके सब जाना, और कल भी प्रसाद आपको, तो प्रसाद आपको यहीं पर है, रात को प्रसाद यहीं पर रात को मिलेगा भाई जी, है भाई जी, ठीक है। हरे कृष्णा, सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करता हूँ। तदुपरांत जैन कृला प्रभुष्णु विष्णुपाल विष्णु तस्व श्रीनारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम बढ़े। गुरुदेव की कृपा से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। हम पिछले 3 दिन से यह कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम पितृपक्ष में, जो आजकल पितृपक्ष है, इसमें कथा श्रवण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोगों को संतों के दर्शन हुए। हम जैसा कि परसों गुरुदेव ने बताया था, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक छोड़ के आना पड़ा और शिव जी को कैलाश छोड़ के आना पड़ा, देवी देवताओं को, स्वर्ग लोग आदि आदि लोगों को छोड़ के कथा सुनने, संतों के दर्शन करने आने पड़ा, लेकिन हम लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ा। खुद महाराज जी वृंदावन से देखिए आप सब लोगों के सामने आए हैं, और संतों के दर्शन ही बहुत बड़ी महिमा है। संतों को दर्शन, संतों से प्रसाद ग्रहण करना, संतों की आशीर्वाद, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार नारद जी इस मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति बड़ा दुखी, बड़ा परेशान बैठा हुआ है। तो नारद जी उसके पास गए, उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में सभी कुछ है, धन धान्य पुत्र, मेरे घर में कई लाखों गाय, कई जमीन जायदाद, रुपया धन पैसा सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में एक चीज की कमी है, मेरे घर में कोई मेरा पुत्र नहीं है, है? मैं पुत्र वियोग में बड़ा दुखी हूँ। तो नारद मुनि ने आप कुछ उपाय बताए, कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था करें, कुछ कृपा करें कि मेरे घर में मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मैं बड़ा दुखी हूँ, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप कृपा करें। तो महाराज जी ने कहा कि अभी तो देखो मैं विष्णुलोक जा रहा हूँ, मेरे पास तो अभी टाइम है नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं कुछ करूँगा, मैं आके बात करता हूँ आपसे। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने प्रणाम किया और महाराज जी चले गए।
तो नारद जी जब विष्णु लोक पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उस व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि कब उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान ये बताओ जो वो व्यक्ति है उसे कब पुत्र प्राप्ति होगी। तो भगवान तो दूरदृष्टा है, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने कहा उन्हें कभी भी किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, उनके भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं। तो नारद जी ने जब ये सुना तो उन्हें भी दुख हुआ। उन्होंने कहा मैं उसके पास जाऊंगा, ये बताऊंगा तो उन्हें और दुख होगा और होगा और तो मुझे सुनाएंगे और। तो नारद जी ने कहा चलो मैं उनके पास जाते ही नहीं। तो 4-5 साल बीत गए, तो कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो नारद जी ने कहा चलो दोबारा मैं कुंभ में दर्शन कराऊँ, संतों के दर्शन कराऊँ। तो जब नारद जी कुंभ के मेले में आए, घूमने लगे, तो उन्होंने देखा वही व्यक्ति सामने से चला आ रहा है और उसके कंधे पे एक बच्चा बैठा हुआ है और मेले में वो आनंद ले रहे। तो नारद जी ने देखा तो वही व्यक्ति है, अभी मुझे देखेगा तो पूछेगा भाई मुझे कब पुत्र की प्राप्ति होगी। तो नारद जी छुपने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने नारद जी को देख लिया और जाके नारद जी को प्रणाम किया कि नारद जी आप कहाँ हो, मैं तो आपको इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ, हैं आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर, आप देखो आपकी कृपा से मुझे आपके दर्शन से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो नारद जी सोचने लगे ये कैसे हो गया, भगवान तो कह रहे थे इसको किसके भाग्य में पुत्र ही नहीं है। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, तो नारद जी सीधा गए विष्णु भगवान विष्णु के पास और उनसे कहने लगे कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आप तो कह रहे थे उसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है और वो तो अपने 4-5 साल के पुत्र को लेके घूम रहा है, बड़ा मजे कर रहा है। तो भगवान ने कहा अभी मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मुझे मेरी जो तबीयत बहुत खराब है और मुझे थोड़ा विश्राम करना है, तो मैं विश्राम करता हूँ भक्तों के हृदय में। तो एक काम करो, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, तुम एक काम करो किसी भक्त का हृदय मेरे पास ले आओ। तो नारद जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो नारद जी गए इधर उधर कई भक्तों के पास गए, पर नारद जी को किसी भक्त का हृदय नहीं मिला। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई मिला ही नहीं ऐसा भक्त। तो उन्होंने कहा तुम संत के पास गए, तो नारद जी ने कहा नहीं उनके पास तो नहीं गया। तो नारद भगवान ने कहा जाओ तुम उसके पास जाओ। तो जब वो नारद जी उनके पास गए और नारद जी ने उन्हें बताया कि भाई भगवान को थोड़ी परेशानी है और उनको थोड़ा विश्राम करना है, तो क्या मैं आपको अपना हृदय मुझे दोगे। तो संत ने जैसे सुना और कटार उठाई और अपना हृदय फाड़ने लगे, तो तभी वहाँ भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने उन्हें बताया नारद जी को देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये रहा, ये संत है ना, ये संत जिन्होंने मेरे लिए अपना घर त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, अपने माता पिता त्याग दिए, अपनी पूरी आसक्ति त्याग दी, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ मेरा भजन करते हैं और यहाँ तक कि ये संत मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। तो ऐसे संत अगर किसी को आशीर्वाद दे दें तो मैं विधि का विधान तक चेंज कर देता हूँ, ऐसे संतों के लिए मैं विधि का विधान ही बदल देता हूँ। तो संतों की इतनी बड़ी कृपा है, तो ऐसे ही संत हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऐसे संतों के पास जाएं और कहें कि हमें पुत्र चाहिए या मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही या मेरे घर में बहू लड़ रही है, मेरे घर में पैसे की कमी है, मेरी जॉब नहीं लग रही। नहीं, मांगना भी कला है, कहते हैं आर्ट ऑफ बेगिंग, मांगना भी कला है, लोगों को मांगना भी नहीं आता। जैसे कि एक छोटा बच्चा था वो अपने रिश्तेदार के घर में गया, तो उनके रिलेटिव ने देखा कि बच्चा छोटा बच्चा है, तो उसे बोला कि टॉफियाँ खा लो, ये टॉफियाँ ले जाओ अपने साथ। तो बच्चे ने टॉफियाँ नहीं ली, उन्होंने पूरा पैकेट टॉफी को उसके सामने रख दिया कि ले लो जितनी ले सकते हो टॉफियाँ लो, बच्चे ने टॉफियाँ नहीं ली। तो उसके मम्मी पापा भी कहने लगे बेटा तुम्हें तो पसंद है टॉफियाँ ले लो, बच्चे ने टॉफियाँ नहीं ली। तो जब बच्चा जाने लगा घर, तो जिनकी वो टॉफियाँ थी उनके रिलेटिव ने क्या किया, सारी टॉफियाँ मुट्ठी निकल एक मुट्ठी से भरी, उसकी दोनों जेबें भर दी, उसके दोनों हाथ भर दिए, उसके मुँह में भी डाल दी, लो जाओ। तो बच्चा जब आने लगा तो उसके माता पिता ने पूछा कि बेटा ये बताओ तुम्हें जब टॉफियाँ इतनी पसंद है तुमने ली क्यों नहीं टॉफियाँ। तो बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि पापा पापा मेरे हाथ बड़े छोटे हैं, अगर मैं टॉफी लेता तो मेरे हाथ में 4-5 टॉफी आती, लेकिन अंकल जी का हाथ में बड़ा बड़ा था, उन्होंने देखो एक हाथ में टॉफी निकाली और 20-25 टॉफी आ गई, उन्होंने मेरी जेब भी भर दी, मेरे हाथ भी भर दिए, मेरे मुँह भी भर दिए। ठीक है, तो इससे ये मिलता है कि हमें कैसे मांगना है, हमें खुद सामर्थ्य नहीं करना, हमें खुद मांगना नहीं है, गुरुदेव के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी कृपा प्रार्थना करो। जैसे कि एक बार राजा ने अपने अनाउंसमेंट कर दी कि कल मेरे राज्य में जो आएगा और जो जिस चीज को छुएगा उसकी वो चीज हो जाएगी, कल सुबह 4 बजे महल का दरवाजा खुलेगा, जो जिस व्यक्ति जिस चीज को छुएगा उसकी वो व्यक्ति की चीज हो जाएगी। सब लोग सोच में पड़ गए, कोई कह रहा मैं राजा का हाथी छूंगा, कोई कह रहा मैं घोड़े को छूंगा,
कोई कह रहा मैं सोने के बर्तन छोड़ूंगा, कोई स्त्री कह रही मैं रानी का हार छोड़ूंगी, सबको सब रात को ही रात भर में लाइन लगा के खड़े होंगे महल के बाहर कि कब सुबह 4 बजेंगे और कब हम महल में भागेंगे और कल सबसे पहले हम जिस चीज़ को छोड़ेंगे वो हमारी होगी। तो राजा ने एक बहुत ऊंचे स्थान पर अपना सिंहासन लगाकर बैठ गया। सुबह 4 बजे गेट खुला, सारे लोग भागने लगे, अफरा तफरी मच गई, कोई किसी चीज़ को छूने लगा, कोई किसी चीज़ को छूने लगा, लेकिन राजा ने देखा एक छोटा बच्चा वो सीढ़ियों में चढ़ रहा है, बड़ा प्रयत्न कर रहा है, बड़ा प्रयत्न करते 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 बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंच रहा है। तो राजा ने देखा कि सारे लोग कुछ ना कुछ चीज़ छू रहे लेकिन बच्चा कुछ नहीं छू रहा। तो वो बच्चा राजा के पास आया और राजा से बोला, राजा ने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, जाओ वहाँ जाओ, वहाँ बहुत सारे खिलौने पड़े, किसी भी खिलौने को छू लो, सोने हीरे मोती के खिलौने हैं, जो जिस खिलौने को तुम छूओगे वो खिलौना तुम्हारा। तो बच्चे ने कहा नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। तो राजा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो बच्चे ने कहा मुझे हार चाहिए, और बच्चे ने राजा को छू लिया और राजा की कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने क्या किया, उस बच्चे को अपना लिया। तो राजा का क्या था, पूरा राज्य। अब बच्चे सारा का राज्य किसका हो गया, बच्चे का। अब उसे छोटे मोटे खिलौने छूने की जरूरत है नहीं जरूरत, अब तो सारा खिलौना सारा राज्य सब कुछ उसी का हो गया। तो ये हमें समझदारी कि मांगो तो कैसे मांगना है, प्राप्त करना तो क्या प्राप्त करना है, छोटी मोटी चीजें के पीछे नहीं भागना, कोई बड़ी चीज के पास भागो। तो संतों के पास एक बड़ी चीज है, संतों के पास ऐसी चीज है कि अगर वो प्राप्त कर ली, जैसे कि अपने राजा को छू लिया तो सारा राज्य हमारा, तो वैसे संतों के पास एक चीज है, वो है हरि नाम। ये हरि नाम संतों के पास है, हरि नाम है। अगर आपने ये प्राप्त कर लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हमें क्या, हमें मांगना ही नहीं आता, हम गलत चीजें मांगते हैं। अभी आप सब लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम तो सुना होगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन की जब बेटी हुई थी अभिषेक बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन ने सोचा था कि मैं जो मुझे भिखारी मिलेंगे सबसे पहले उनको मैं 1-1 लाख रुपए डोनेट करूंगा। ये अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था, मतलब ग्रुप इंटरनेट में डाला था। तो जब अमिताभ बच्चन सुबह निकला मंदिर में कपड़े वपड़े बांट रहा था, उसने देखा कोई भिखारी मिलेगा जो जरूरतमंद होगा उसे मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तभी एक भिखारी आया, उसे पता चला कि आज अभिषेक बच्चन के घर में वो अमिताभ बच्चन के घर में पोती का जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा आज ये मुझे जो मांगूंगा देगा, तो उनके पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे कुछ धन चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मिलेगा, तो कह रहा नहीं मुझे जितना चाहिए आपको देना पड़ेगा, पहले वादा करो। तो वो सोचने लगे क्या पता नहीं कितना मांग ले, चलो उन्होंने कहा कोई बात नहीं खुशी का अवसर है जितना मांगेगा दे दूंगा। कह रहा नहीं आप मुझे ना 1000 रुपये दे दो। तो वो सोचने लगे 1000, मैं तो सोच के बैठा था मैं 1 लाख रुपये दूंगा, तो कह रहा मेरे पीछे पड़ा कि 1000 रुपये दे दो। तो उन्होंने कहा लो 1000 रुपये लो पीछा छोड़। तो हमारी भी हम भी क्या कर रहे हैं, संत लोग आ रहे हैं तो उनके पास क्या बोल रहे हैं, हमें ये दे दो वो दे दो ये दे दो, लेकिन हमें क्या मांगना क्या है, भगवान का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम सबसे बड़ी चीज है, वह हरि नाम है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम करो नास्ते नास्ते गति रहने था। कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई गति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं नाम नाम करी बहुदानी सर्व शक्ति स्तर्पिता नियमित स्मरण काले एतादशी तब कृपा भगवान मपी दुर्देश में जानी नानुरागा। भगवान ने बताया कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान ने अपना सारी शक्ति इस नाम में रख दी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो नाम से मांगिए, ये सब कुछ प्रदान कर सकता है, पर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे उस बच्चे ने राजा के पास जाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया सब कुछ प्राप्त हो गया, वैसे भी थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास क्या है, ये हरि नाम। तो गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में अगर कलयुग में भवसागर को पार करना है ना, तो एक ही विधि है, सिर्फ और सिर्फ एक विधि है, वो है हरि नाम। ठीक है, शास्त्र कह रहे हैं, गुरुवर्ग कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं, अंतकारे च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम ये प्रयति समद्भावती नास्ति अत्र संशय। जो अंतिम समय में मेरा नाम लेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा और इसमें कोई संशय नहीं है। ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान। भगवत गीता में 8वें अध्याय में 12वें श्लोक में भगवत ज्ञान में ये भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरा जो नाम लेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, संसार चाहिए। लेकिन संसार क्या होगा, एक दिन छूट जाएगा और अंतिम में क्या निकलेगा, राम नाम सत्य है, तब नाम सुनाई देगा हमें। लेकिन तब कोई फायदा है, तब कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों को संतों के दर्शन हुए, तो इसका फायदा उठा रहे हैं। महाराज जी अभी 3-4 दिन यहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सब जिनको लगता है कि आप सबको अपना कल्याण करना है, अपने परिवार वालों को कल्याण करना है, वास्तव में कल्याण करना है और इस भवसागर को पार करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि एक बार हम भगवान के धाम चले गए तो दोबारा हमें इस मृत्युलोक में आना नहीं पड़ेगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवदगीता में, यद्गतवान निवृत्तंते तद्धाम परम मम, मेरे धाम में जाने के बाद वापस इस मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता, कोई कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि भी वहाँ की दवा छोड़िए, इस जगत में भी हमें जिस चीज़ की जरूरत है वह हरिनाम दिला सकता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो, शास्त्रों पर यकीन ना हो, तो भगवान पर यकीन हो कम से कम, है ना। तो भगवत सारे ग्रंथ सारे शास्त्र सिर्फ एक ही बात कह रहे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गति रन्य था। देखो और 5 मिनट लेंगे, एक एक माला जप करेंगे, ठीक है ना। कल हम लोगों ने, मैंने बताया था ना कल, अभी उन्होंने नाम की महिमा बताई, भागवत में एक श्लोक आया है, देखो ध्यान देख रहे सुना, एक मिनट देखो। ये भगवान का नाम को बताया, ये चिंतामणि क्या है, भगवान का नाम क्या चिंतामणि मतलब जानते हो, मतलब जो मांगो जो चिंता करो वही दे देगा। संतों ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया, देखो ये 2 मिनट इस कथा को सुन लो, फिर नाम में तुम्हारी बड़ी रुचि आएगी। एक उदाहरण दिया, जैसे आप रास्ता में चल रहे हो, आपका हाथ में एक थाली है, वो खाली है, लेकिन आपने देखा 100-100 रुपया की गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ, जिसका कोई मालिक नहीं, बताओ आप क्या करोगे, बोलो। थाली खाली है लेकिन गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ 100-100 रुपया की, कोई मालिक नहीं, आप क्या करोगे बताओ। अरे बोलो भाई, कुछ बोल नहीं रहे, उठा लोगे ना, जितना हो सकते ठोस ठोस कर भरोगे, क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, उसका कोई मालिक नहीं। लेकिन और थोड़ी दूर गए, देखा 500-500 रुपया की गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे, क्या करोगे, वो ब्याज तो भर गया, फिर क्या करोगे, फिर उसको खाली करोगे, जब 500-500 रुपया की खाली करके फिर ठोस ठोस कर भरोगे। लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना, 2000-2000 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ है, फिर क्या करोगे, अरे बोलो कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन वो तो थाली भर गया, फिर उसको निकालोगे, क्यों, जब 2000 रुपया मिल रही है, 500 क्या जरूरत है, फिर 2000 रुपया गड्डी के गड्डी भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, आपको वहां पर रास्ता में हीरे जवाहरात बिखरा हुआ मिला, हीरे जवाहरात, फिर क्या करोगे, अरे हंस रहे हैं क्यों, बोलो क्या करोगे, फिर 2000-2000 रुपया को खाली करोगे, फिर उसमें हीरे जवाहरात भरोगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिला, देखो ध्यान देकर सुनो, एक अच्छी चीज समझाना चाह रहा हूं, ये चीज को समझो, ये ऐसे गलत कहानी नहीं। और थोड़ी दूर गए, आपको पारस पत्थर मिला, सुने हो पारस पत्थर का नाम, जो लोहे को भी सोने बना दे, फिर क्या करोगे बताओ, फिर हीरे जवाहरात को फेंकोगे, जो लोहे लाओ स्पर्श कराओ सोना बनती जाएगी, हैं। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, उससे भी कीमती चीज मिला, ये भागवत में आती है, जिसका नाम कहते स्यमंतक मणि। ये जो सत्राजित था, जिसका बेटी सत्यभामा थी, इनका मित्रता था सूर्य देवता साथ में, ये सूर्य देवता प्रसन्न होकर उसको ये मणि दिया था, स्यमंतक मणि। ये स्यमंतक मणि से अपनी आप सोना, चट्टान के चट्टान सोना, अपनी आप अष्टभार सुवर्ण, अपनी आप निकलता है सोना जिससे, फिर क्या करोगे, पार से पत्थर फेंकोगे, लोहे लाओ स्पर्श कराओ सोना बनेगा, इससे सोना अपने आप निकलता है, उसको लेकर के जाओगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिली, बता सकते हो उससे भी कीमती क्या हो सकता है, ये भागवत कहता है, भागवत कहता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विक्रम, ये भागवत कह रहा है। ये जो भगवान का जो नाम है, कहते इसको कहते चिंतामणि, चिंतामणि मतलब वो जो सेमंत का मणि, आपको खाना पीना नहीं देगा, कपड़ा लता नहीं देगा, दुकान वगैरह नहीं देगा, वो केवल सोना ही देगा, और कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन चिंतामणि, जो चिंता करो, जो मांगो
वही चीज आपको चिंतामणि से मिलेगा। वो कौन है? बोले भगवान का नाम है। इसलिए हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं बताओ? बोले सुमीरी पवन सोत पवन नाम आपन ब स करे राखे राम। हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति पावन। आप बताओ शंकर जी दिन भर क्या करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जई जपत महेशा। पंच मुह में शंकर जी दिन रात ठाकुर का नाम लेते हैं तभी जगत में पूजा हो रही है। माँ देवी क्या करती है? गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जय संग प्रिय भवानी। माता पार्वती को आठ हाथ में देखना एक माला है, सरस्वती की चार हाथ में देखना एक माला है, अब ब्रह्मा जी की चार हाथ में एक हाथ में देखोगे माला है। ये सारे देवा देवी भगवान के नाम जप करते हैं तभी दुनिया में इनकी पूजा हो रही है। मीरा जी जगत में क्या की थी? मीरा जी जब दुनिया में पूजा हो रही है वो भगवान का नाम लेना। अगर प्रभु का नाम लोगे ना दुनिया में पूजा तुम्हारी होगी। ठीक है अभी हम लोग और पांच मिनट ही एक एक माला जप करेंगे। ठीक है उसके बाद में प्रसाद लेके निकल एक एक माला ले लो। हाँ और किसको हाथ में दे दो दूसरे तरफ दे दो। हरे कृष्ण हरि बोल। देखो कल एकादशी अच्छी दिन है। इधर सुना कल एकादशी दिन अच्छी है। कोई कोई भक्त लोग माला मांग रहे थे बोले महाराज हम माला जप करना चाहते हैं। कल एकादशी का दिन है जिसकी इच्छा होगी ना हम माला जप करेंगे। कल सवेरे 7 बजे आ जाना 7-8 बजे आ जाना। ये माला आपको लेने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये माला जप करने के बाद वापस देना सबको सब माला। ये माला आपको लेने के लिए माला नहीं दे रहे हैं, माला जप करने के बाद वापस देना है। हाँ जिनको पास में माला नहीं गई मेरे साथ में जप कर आपको फल मिलेगा और जिनको पास में गया वो तो माला में जप करो। हाँ इधर देखो मेरे तरफ में हरे कृष्णा मेरे तरफ में देखो माला कैसे जप करोगे देख लो। इधर मेरे तरफ में देखो ये अंगुलों को टच नहीं कराना, ये अंगुलों को स्पर्श नहीं करवाना, ये बीच वाला अंगुल में रखना, ये बीच वाला अंगुल में। और जैसे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल करके एक मोती सर गया। ठीक है और ये अंगुल को टच नहीं करना, ये गंदा अंगुल हम कहते ना तुमको हम देख लेंगे सबसे पहले यही निकलता है, इसलिए ये अंगुल को सीधा रखते हैं। ठीक है काम क्रोध लोभ नहीं आए इसलिए पूरा बोल करके एक मोती सर गया पूरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल करके दूसरे मोती सरकेगा पूरा बोल कर एक मोती सरकेगा। ठीक है सबके सब आंख बंद कर दो समझो हम वृंदावन में बांके बिहार जी के चरण में हम बैठे हैं और सबके सब हरि नाम करना। जो करेगा उसका पाप तो सर के ऊपर उग जाएगी लेकिन जो नहीं करेगा ना ये सबका पाप उसका सर पर जाकर बैठ जाएगी। ठीक है सबके सब मेरे साथ में करो बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो सबके सब हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला पूरी हो गई ना, सबके सब माला वापस दो, लेना नहीं तो पाप लगेगा, बिना बोले लेना नहीं, सब माला वापस दो, जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, कल एकादशी तिथि अच्छी दिन है, हम 7-8 बजे आ सकते हो, आ करके हम माला ले सकते हो।
प्रभु जी भजन गाएंगे, सबके सब खड़े हो जाओ, भजन में नाचना और इसने करा है बच्चे। जय जय श्री राम। हरि नयन में I'm gonna make it.
Oh,
सभी एक बार हाथ उठाएंगे प्रेस से और हाथ उठाकर क्या होता है अरे चार दिन होने जा रहे हैं कथा को असर नहीं पड़ा क्या बोलना है क्या बोलना दो राधे राधे कभी हाथ उठाकर सारी बजा कर आप सबसे प्रार्थना है क्योंकि जो प्रसाद यहाँ बनती है जो कथा सुनने के लिए आते हैं पता नहीं पड़ता है कितने भक्त आएंगे उसी हिसाब से तो बना आपका घर में अगर चार व्यक्ति आ जाए ना आपका घर में दिमाग कबड़ी खराब हो जाता है इसलिए रोसी वालों को पता नहीं पड़ता है कितने भक्त कथा सुन प्रसाद पाएंगे इसलिए कभी प्रसाद को जैसे भक्त आएंगे वैसे बढ़ाना पड़ेगा ना इसलिए घर में अगर चार व्यक्ति आ जाए कपड़ी खराब हो जाता है और इतने सारे भक्तों की व्यवस्था इसलिए कल